अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो में एक माइंडसेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारी अक्सर कोशिश ये होती है कि हम फटाफट के टू के टॉप तक पहुँच जाएँ, नांगा पर्वत क्लाइम कर लें या माउंट एवरेस्ट सर कर लें। किसी भी टारगेट को लेके, किसी भी गोल को लेके हमारी कोशिश होती है कि जो वहाँ पर टॉप पे है जल्द अज जल्द किसी तरीके से हम वहाँ पर पहुँच जाएँ। अगर हम वैसे सोशली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फटाफट हम चाहते हैं किसी तरह हम दीदी साहब लेवल पर पहुँच जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुंदू ने कहा था कि जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। क्या हम वो पहला कदम उठा रहे हैं कि नहीं, ये डिटरमिन करेगा कि हम वो 1000 लेवल पर जहाँ पर हमने पहुँचना है वहाँ पर पहुँचेंगे कि नहीं। इसलिए कुछ भी करना है तो आपको वो पहले स्टेप्स को उठाने पड़ेंगे जो आपको उस मंजिल की तरफ ले जाएंगे। अब देखना हमें ये है, क्या ईदी पहले दिन ही ईदी बन गया था? क्या मास्टर ईदी पहले दिन से ही इतनी हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुके थे? नहीं, हमें भी अगर उस लेवल पर पहुंचना है तो हमें भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। तो वो स्टार्ट छोटे से ही होता है हमेशा। अब एक छोटा सा स्टार्ट आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यार आप एजुकेशन वाइज लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप गली मोहल्ले में किसी ना किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से उसकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन आप करेंगे तो यकीन माने कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि हम हमेशा से ये सोचते हैं कि यार मेरे पास जब इतना पैसा हो जाएगा या ऐसी सिचुएशन बन जाएगी उसके बाद मैं कुछ करना शुरू करूँगा, लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो अभी से स्टार्ट हो सकता है। जब आप देना शुरू करेंगे अल्लाह ताला आपको कितना नवाजेगा आपको उसका मालूम नहीं। हम लोगों के हक के लिए बड़े बड़े इदारे बनाना चाहते हैं, नहीं बना सकते तो हम किसी एक शख्स के साथ भी खड़े हो जाएँ खालसा बरौरी की तरह, उसकी मदद कर दें तो हमारे अंदर वो जज्बा आ जाएगा कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी बना सकेंगे। हम बहुत बड़े दस्तरखान लगाना चाहते हैं, इसी तादाद में लोगों को खाना देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी को दो रोटियां मिला दे सकते। और तरह की कंट्रीब्यूशन ये भी है कि आप किसी शख्स को अगर देख रहे हैं वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको डिस्करेज ना करें। अभी रिसेंटली दोस्तों के साथ हम टूर पर निकले थे, जो साइड में हम गए और वहाँ से आर्मी का एरिया है जहाँ पर मेल मिनिमल कारगिल देखने का हमारा इरादा था। कारगिल एक्टिव वॉर जोन है, वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वहाँ पर पहुँच कर एक यूनिट में 17 लोग थे जो 11 महीने की ड्यूटी के बाद आए थे कारगिल से नीचे। बुरा हाल था, हाथों और चेहरे की स्किन जली हुई थी, आँखों के नीचे बहुत बड़े बड़े हल्के पड़े हुए थे। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई उन्होंने मुझे बताया कि कितनी टफ कंडीशन में वो वहाँ पर, कितना हाई एल्टीट्यूड है और ऑक्सीजन कितनी कम होती है सर्दियों में, इस तमाम सिचुएशन में वो वहाँ पर हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है। अक्सर हम रोड पर जाते हैं और देखते हैं कि पुलिस के नौजवान वार्डन ये तमाम तर बहुत सख्त गर्मी में, सख्त धूप में, बारिश में अक्सर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। हमारे दिल में भी उनके लिए जज्बा जाता है कि यार हम कुछ ना कुछ उनके लिए करें। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जाते जाते हम उन्हें एक स्माइल दे सकते हैं, एक दफ़ा सलूट कर सकते हैं कि यार आप लोगों की अंथक मेहनत की वजह से हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। इसलिए कुछ करना बेहतर है बजाय इसके कि हम उनको क्रिटिसाइज़ करें, बजाय इसके कि हम उनकी मेहनत को, उनकी इस एफर्ट को, उनकी इस सर्विस को बगैर नोटिस किए हुए आराम से गुजर जाएं। सोचने में बहुत टाइम लग जाता है लेकिन हमें सोच से आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है और काम करके दिखाना है। वो तब्दीली जो हम चाहते हैं लेके आना वो हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरे इलाके में सफाई करें तो क्यों ना हम आज अपने बेड को साफ़ करने से स्टार्ट करें, क्यों ना हम अपने खाने के बाद अपनी प्लेट को साफ करके लिए तब्दीली का आगाज़ करें। ये तब्दीलियाँ छोटी 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 तब्दीलियाँ जो हम लेके आएंगे इंशाल्लाह यही आगे चल के हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में, हमारे माशरे में तब्दीली ले जाए। अगर आप किसी की फिज़िकली आगे बढ़ के मदद नहीं कर पाते या किसी तरीके से और तरीके से आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो आपका एक कंट्रीब्यूशन करने का एक ये दर्जा भी हो सकता है, आप लाइट उतनी इस्तेमाल करें जितनी आपकी ज़रूरत है, ग़िज़ा उतनी इस्तेमाल करें जितनी आपकी ज़रूरत है, पानी को उतना इस्तेमाल करें ज़ाया ना जितना आपको चाहिए, तो उस तरीके से भी आपकी बचाया हुआ पानी, आपकी बचाई हुई ग़िज़ा, बचाई हुई लाइट ये उन लोगों तक पहुँच सकती है जिन्हें उसकी ज़रूरत है। तो ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है। लास्टली मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं पर आप फिज़िकली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, किसी तरीके से आप खुद कोई पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते तो किसी को क्रिटिसाइज ना करें। अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई एक पौधा लगा रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है, तो बजाय उसके कि उसको उसके इस अमल के लिए क्रिटिसाइज करें,
आप उसकी मदद कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते या उसको इनकरेज नहीं कर सकते तो खामोशी भी आपकी एक तरह से कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि अगर अच्छी बात नहीं कर सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते, उसका हाथ नहीं बन सकते, तो उसको रोकेंगे ना, क्योंकि हो सकता है आज उसने एक छोटा कदम उठाया है, आपकी इनकरेजमेंट कल जाके उससे बड़ा कदम उठवाने में मदद दे। अगर आपने उसको डिस्करेज किया तो हो सकता है कि आगे चल के उसने पता नहीं कितना बड़ा काम करना था, लेकिन आज ही आपने उसको डिस्करेज कर दिया तो आगे चल के वो काम नहीं आ कर सकते, इसलिए क्रिटिसाइज कम से कम। तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी तब्दील होगा इन दी एंड। मैं चाहता हूँ कि हम तमाम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो करें, अहद करें अपने आप से और छोटी छोटी तब्दीलियाँ लाना शुरू करें, और इंशाल्लाह बड़ी तब्दीली पूरी आ जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।